अब सीधा आप समझ रहे हैं अजय जी कि जिस तरह से अरशद मदनी का यह बयान आया है कि मुसलमानों का नुकसान चाह रही है ये सरकार, और अगर ये नहीं सुनेगी तो फिर इंडिया वाली सरकार बनेगी और फिर वो बदलाव करेगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो बदलाव करेगी, आप नहीं सुनेंगे तो सरकार उखाड़ फेंकने की धमकी है अजय जी। खैर, ये सरकार उखाड़ फेंकने की मंशा और इनकी धमकी कोई नई बात नहीं है। इन्हीं के भाई बंधु राकेश टिकैत ने भी कल एक वैसा ही बयान दिया था कि जब दिल्ली में 25 लाख किसान घुसे थे तो लाल किले की जगह संसद पे चले जाते तो उसी दिन काम हो जाता। ऐसे ऐसे हैं, इनकी मंशा है, सरकार सजग है, लेकिन इन लोग को एक बार बता दूँ कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है। इस तरह की गलत हरकत करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि तब देश की जनता ही आपको ऐसा तोड़ेगी कि आपका पूरा का पूरा विश्वास हिल जाएगा। ये काम करने की गलती से भी ना सोचें, मेरी सलाह है। अभी मुझे कहा गया कि अजय आलोक झूठ फैला रहे टीवी पे, क्या ये सही नहीं है कि वक्फ के बोर्ड में वक्फ जिस जमीन को अपना कह देगा आप उसके लिए कहीं मुकदमा नहीं कर सकते हैं? आपको अपील भी करना है तो वक्फ के बोर्ड में ट्रिब्यूनल में अपील कीजिए, और ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई रिव्यू नहीं कर सकता है। 65,972 मामले वक्त के ट्रिब्यूनल में लंबित, 4 लाख एकड़ से ऊपर जमीन पर आज मर्दी जी कह रहे हैं। तीन लोग नहीं बोलेंगे ना एक साथ, अगर जवाब साहब बोल रहे तो उन्हें बोल दीजिए। जवाब साहब आ जाइए तो स्क्रीन पर लीजिए। हाँ, एक मिनट, मदनी जी बोल रहे हैं कि हम कागजात कहाँ से लाएंगे अपने संपत्तियों के, जब संपत्तियों के कागजात आपके पास नहीं है तो संपत्ति आपकी कैसे हो गई? इनकी तो इतनी हिम्मत थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कहे कि ये ताजमहल की जमीन वक्त की बोली नहीं लेने देंगे। कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कैसे, तो सुप्रीम शाहजहां की बेटी ने वक्त को दे दिया था, किसी की मिलकियत। आप ये सोचिए, शाहजहां की बेटी ने दे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के पेपर साइन करके की नोटिस दिखाइए, नहीं देंगे सरकार। अरे ये बिल्कुल फर्जी है, ये मुसलमान माफिया लोग हैं, तो आम मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। ये संवैधानिक तरीका नहीं है जवाब साहब, ये धमकी वाला लहजा है, ये धमकी वाला लहजा है, नहीं ये धमकी वाला लहजा है। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इतनी संख्या में उतरेंगे और सरकार के खिलाफ उखाड़ फेंकेंगे। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का हक हमारा संविधान हमको देता है। ये संवैधानिक तरीका है, ये धमकी वाला तरीका संवैधानिक है क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, हम कैसे आपकी मिल्कियत है? बिल्कुल है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की मिल्कियत है, एक इंच भी जमीन। अच्छा एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के उद्धार के लिए इतने सालों से क्या कर दिया? मुसलमानों की जमीन के लिए, आम मुसलमानों के लिए क्या किया है? उन्हीं के लिए बना था ना वक्फ बोर्ड। 10 सालों में इस सरकार ने मुसलमानों के उद्धार के लिए क्या करा है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देख लीजिए, 10 साल में सरकार ने क्या किया है वो पूछ रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने इतने सालों में कुछ नहीं किया उस पर सवाल नहीं है, उस पर सवाल नहीं है। ये एंटाइटलमेंट वाली सोच है आपकी, क्योंकि आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया मुसलमानों का। 10 साल के अंदर हर साल करीब 32,000 करोड़ रुपया इनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया सरकार ने। कोरोना 32,000 करोड़ रुपया, 32,000 करोड़ रुपया अगर नहीं पता है तो माइनॉरिटी कमीशन में जाकर वेबसाइट में देख लो, मैं डाटा दे हर मुसलमान को मिला, कोरोना की वैक्सीन हर एक को मिली, अस्पताल की व्यवस्था, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है हर मुसलमान को भी लेने का उतना ही अधिकार है जितना इस देश के कोई आम नागरिक को है। कोई बात नहीं, रोड आपके लिए बनी, कोई मना नहीं किया गया कि रोड पे मुसलमान नहीं चलेगा। पानी की व्यवस्था हुई तो हर घर का पानी आया, तो वो भी मुझे बताइए क्या दिक्कत है? उसके बाद भी एहसान फरामोशी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, किया क्या सरकार ने? हम सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मिले आपको? आपको एक मुझे लगता है कि एक हवा महल बना के दे दिया जाए, जिस प्रकार से पिछले 80 सालों में कौन सा हवा महल मिला आपको? चलते बताइए, 80 साल के अंदर 75 साल का रिकॉर्ड है, 60 साल के अंदर 60 साल में तो एहसान कर रही क्या? आचार्य जी एक सीधी बात है, ये बातें तो अलग ही लेवल पर जा रही हैं इस डिबेट को, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि वक्फ पर जो डिबेट है वो इसी बात से शुरू होती है जो बात अजय जी ने कही कि किसी भी जमीन पर जाकर अपना हक जमा देना और कह देना ये जमीन वक्फ की हो गई, ये इस देश में कैसे चलेगा? मैं आचार्य जी कहीं जाकर जमीन पर हाथ रख दे और कहीं यहाँ पर मंदिर है तो वो भी नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा ना। मैं तो यहाँ आचार्य जी खड़े, मैं खुलकर बोल रही हूँ। एक मिनट सुन लीजिए,
वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसके लिए अदालत है, कानून है। और आप देखिए दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी हैं और 84 से लेकर अब तक मुकदमा चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल में है ये मामला कहां कहां गया है। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सही बताओ ना। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि क्लेम कर देने से मिल गया, आपने दे दिया, आप हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे आपने दे दिया, हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे आपने दिया क्या, बताइए बड़ी विचित्र आप तो हर एक बताए दे रहे हैं, पार्लियामेंट में कह दिया कि जमीन हमारी है। हां बिल्कुल, जो हमारी ताजमहल कहां है भाई, कागज क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप, दावा करेंगे राष्ट्र क्या नहीं है, राष्ट्र नहीं है, आपकी जमीन नहीं ली जा रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं जरा सबसे पहले उस पर लगाम लगाना चाह रही हूँ। ये जो कह रहे हैं हमारी जमीनें लूट लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ अजय जी। हाँ नहीं, आप तो यही कहेंगे, आप उस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं अजय जी, ये जमीनों को कोई सरकार हड़पने की योजना नहीं बना रही है, ये जो मनमाने तरीके से, मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो, सुनिए सुनिए, मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो और कहो ये हमारी हो गई, इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं हो सकता। और मैंने जैसा कहा आचार्य जी खड़े हैं, वो भी कहीं जाकर गमछा रखकर नहीं कह सकते हैं मंदिर की है। अजय जी इस पर बोलिए जरा, क्या मजाक बना रखा है, ठीक है मजाक। सुचरिता जी वक्फ क्यों आया? पहली बात, वक्फ कोई धार्मिक चीज नहीं है, क्योंकि अगर वक्फ धार्मिक होता तो सऊदी अरब में भी होता, पाकिस्तान में भी होता, बांग्लादेश में होता, लीबिया में होता, क्यों नहीं है? सही बात नहीं है वहां पे, क्योंकि ये कोई धार्मिक मसला है ही नहीं, ये मुसलमान माफियों की एक छोटी साजिश है, जिसके वक्त की सारी जमीन को एक कब्जा करके उसे कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। आज सऊदी ने वैसी 3,000 करोड़ के ऊपर की वक्त की जमीन पे अपना कब्जा रखे हुए हैं, लेकिन देंगे नहीं, इसलिए उनको वक्त चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, सुनिए, जब नेहरू लियाकत ट्रैक्ट बंटवारे के बाद मुसलमान भाई यहाँ, नेहरू जी ने कहा ये सारी जमीनें वक्त की हो जाएंगी, वो हिंदू नहीं लेंगे। वरुण जी को लीजिए, पाकिस्तान में भी यही व्यवस्था की गई थी कि हिंदू जो जमीन छोड़ के आया हिंदू को मालिकाना हक रहेगा, लेकिन वहाँ की हिंदुओं की सारी जमीन सरकार और स्थानीय मुसलमानों ने लेंगे, हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। मुसलमानों की जमीन जो बेच पाए बेच दिया, बाकी बची हुई वक्त बना के उसके नाम पे कर दी गई, ठीक। अब उसके बाद उसको अब ट्रेमेंडस पावर देते जा रहे हैं, एक पर एक आपने उसमें पावर एडिशन किया। 95 में ये पावर दे दिया कि जिस जमीन पे आप क्लेम कर देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। 2013 में संशोधन करके एक और पावर दे दिया कि वक्फ के सारे मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, रिव्यू होगा तो ट्रिब्यूनल नहीं होगा। 4,00,000 acres से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है, 65,972 मामले लंबित है, मुसलमानों का ही थोड़ा।